हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम स्कंध एक अध्याय 13 श्लोक नंबर 49। सोया मध्य महाराजा भगवान भूत भावनः कालरूपो अवतीर्णोऽस्य मभावाय सुरद्विषाम् सोऽयमद्य महाराजा भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषाम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो इसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं वही गोलक धाम से उतरकर पृथ्वी लोक पर आए हैं ताकि जो द्वेषी लोग हैं उनका विनाश करे काल के रूप में। जैसे भगवद गीता में भी हम देखते हैं जब भगवान को अर्जुन विराट रूप का दर्शन कराते हैं तो समस्त योद्धाओं को अपने दांतों तले वो जैसे दांतों तले वो लोग रगड़े जाते हैं और काल रूप में भगवान उसको निगलते हैं। तो इसलिए भगवान अवतरित हुए हैं पृथ्वी लोक में। मनुष्य की दो प्रकार की श्रेणियां हैं, जो एक प्रकार के हैं जो आज्ञा पालक है और दूसरे प्रकार के श्रेणी हैं जो भगवान के प्रति द्वेष भावना रखते हैं। चूंकि परमेश्वर एक ही है और वे सभी जीवों के पिता हैं, इसलिए कोई अगर द्वेष भी रखे वो भी भगवान के संतान है, कोई आज्ञा पालन करे वो भी भगवान के संतान है। लेकिन जो भगवान से द्वेष करते हैं और शास्त्रों के नियमों को पालन नहीं करते हैं उनको असुर कहा जाता है, और जो शास्त्रों के नियमों को पालन करके भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं उनको देवता कहा जाता है। तो असुर लोग जो है ना केवल भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, वो लोग बोलेंगे भगवान है ही नहीं, और साथ ही साथ वे भगवान के प्रति द्वेष भी करते। अगर आप उनको प्रमाण भी दे दें, अच्छा अगर रामचंद्र नहीं है तो आपके साइंटिस्ट को कैसे मिला राम सेतु, या कैसे मिला द्वारका नगरी का अवशेष अगर कृष्ण नहीं आए हैं, तो इन चीज़ों से भी वो लोग द्वेष रखते हैं और कोई ना कोई जो है अपना लॉजिक देते रहते हैं। तो इसलिए असुरिक जो व्यक्ति होते हैं कितना भी कोशिश किया जाए उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते हम लोग जब तक वो स्वयं भगवान के शरणागत ना हो, भक्तों के संगति में उनका हृदय शुद्ध ना हो। तो जगत में आसुरी लोगों का जो है प्राधान्य अभी बहुत हो गया है कलयुग के प्रभाव के कारण। तो उस समय भी ऐसा हुआ था तो भगवान ने उन सबको विनष्ट करने का योजना बनाया, और पांडव जैसे धार्मिक राजा को पूरे पृथ्वी का राजा बनाने के लिए भगवान ने सिद्धांत लिया या डिसीशन लिया। क्योंकि देवताओं के इसलिए इंद्र, आप देखेंगे इंद्र कई बार कुछ ऐसा कार्य करते हैं पर भगवान इंद्र का हमेशा साथ देते हैं, असुरों का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि इंद्र या अन्य देवतागण भगवान के आज्ञाकारी सेवक है और वो लोग धर्म के अनुसार चलते हैं या शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंच मात्र भी भयावह नहीं है, भगवान भयावह नहीं है, लेकिन जैसे एग्जाम्पल है चोर को पुलिस भयावह लगते हैं, लेकिन वही पुलिस साधारण एक ईमानदार नागरिक को अच्छे लगते हैं। अगर वो देखते हैं तो खुशी होती है कितना अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं,
ये लोग समाज का कितना अपरिहार्य अंग है, या जैसे मिलिट्री लोग है देश की रक्षा में लगे हुए हैं, तो उनको देखकर साधारण नागरिक को डर पैदा नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि वो रक्षा के लिए है। लेकिन वही किसी आतंकवादी के हृदय में डर पैदा कर देगा, है ना, या किसी चोर या डकैत के हृदय में, तो लोग चौकन्ना हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से काल रूप में भी जो भगवान आते हैं, तो वो भयावह उन लोगों के लिए है जो पापी है। भगवान के लिए तो मृत्यु भगवत धाम जाने का द्वार है। जैसे हम अगर ध्रुव महाराज का उदाहरण दें, तो ध्रुव महाराज बहुत छोटे से थे जब तपस्या करने चले गए, और 5 साल की उम्र में ही उन्होंने इतनी कठोर तपस्या किया 6 महीने में, कि भगवान स्वयं उनको दर्शन दिया। और उसके बाद भगवान ने उनको ध्रुव लोक जैसा शाश्वत लोक तो दिया, लेकिन उस लोक में जाने से पहले भी भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप पूरे पृथ्वी के राज्य को 36,000 वर्ष तक भोग करोगे। और ऐसा ही होता है। और उसके बाद जब मृत्यु का समय आता है, तो ध्रुव महाराज क्या करते हैं, वैकुंठ के रथ में सुखपूर्वक आरोहण होकर चले जाते हैं। तो भगवान के भक्तों के लिए इसलिए ये भयावह नहीं है। भगवान का यह कारण रूप असुरों को सुहावना नहीं लगता है, इसलिए भगवान को निराकार मान लेते हैं। और असुर लोग कई बार सोचते हैं कि वो भगवान को मार सकेंगे, जैसे हिरण्यकशिपु ने कोशिश किया विष्णु को मार सकते हैं ऐसा, तो उनकी बुद्धि इतनी ही होती है, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान को कोई मार नहीं सकता है। और हम भी भगवान के अंश हैं, तो आत्मा को भी कोई मार नहीं सकता है, लेकिन शरीर छोड़ना पड़ता है अगर भौतिक शरीर है तो। श्लोक नंबर 50। निष्पादितं देवकृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते तावद् यूयामवीक्षध्वं भवेद्यावादिहेश्वरः। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। तो भगवान ने देवताओं की सहायता की, और जैसे कंस आदि असुरों को मारकर पृथ्वी का बोझ हल्का किया, महाभारत का युद्ध कराकर बहुत सारे आसुरिक व्यक्तियों का निधन किया, और इसका क्रेडिट अर्जुन को दिया। और साथ ही साथ जो है, अभी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि ये सब भगवान का प्लानिंग है, और इसलिए किसी भी बात के लिए आप लोग दुखी मत होना, और आप लोग भी धरातल पर तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक भगवान स्वयं इस धरातल पर उपस्थित है। भगवान अपने धाम कृष्णलोक से, जो आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने के लिए तब तब अवतरित होते हैं जब जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। तो इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजम्यहम्। तो जब अधर्म का इतना बोलबाला हो जाता है, तो तब भगवान जो है अवतरित होते हैं। और कई लोग पूछते हैं कि कलयुग में फिर भगवान क्यों नहीं अवतरित हो रहे हैं। कल्कि अवतार तो भगवान का आने वाला है ही कलि के अंत में, लेकिन अभी 500 साल पहले भी चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में भगवान आ चुके हैं। और हमें दूसरा ये समझना चाहिए कि वो भगवान ने हमें क्या देकर गए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र कोई साधारण मनुष्य या कोई ऐसे छद्मा कोई गुरु ने नहीं दिया है, ये स्वयं भगवान ने दिया है। और ब्रह्मा जी भी इसका उल्लेख कलिसंतरण उपनिषद में करते हैं। तो इसलिए कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलि काल में नाम रूप में यानी हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में कृष्ण का अवतार हो चुका है। तो इसलिए हमें हरि नाम का सहारा लेना चाहिए, और इस बद्ध जीवन से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। तो
हम क्यों भौतिक बंधन में आते हैं उसके बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट बताते हैं, क्योंकि हम जो है कंट्रोल करना चाहते हैं, हम समर्पित होना नहीं जानते हैं भगवान के प्रति, तो हम हर वस्तु को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसीलिए इस भौतिक जगत में आते हैं और एक नकली स्वामी बन जाते हैं, किसी के पति बन जाते हैं, कोई ऑफिस का बॉस बन जाता है इत्यादि। तो प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहता है, ऐसे नकली ईश्वर में प्रबल होड़ लगी रहती है और ऐसे प्रतियोगी को असुर कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, थोड़ा बहुत सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद कोई समाज में अपने आप को भगवान घोषित करते हैं और साधारण भोले भाले जनता उनको महान मानने भी लगते हैं, लेकिन महान सिर्फ वो है जो 2400 घंटा भगवान कृष्ण में अपने मन को स्थिर रख सकता है, वो शुद्ध भक्त कहलाता है। तो ऐसे भक्त का हमें संगति करना चाहिए। और जब जब असुरों की संख्या बढ़ जाती है ना, तो भगवत भक्तों के लिए वो नरक बन जाता है। आप अगर ऐसे समाज में हैं जहाँ के एक भी व्यक्ति भक्त नहीं है, तो अगर आप भक्त हैं तो आपके लिए वो नरक जैसा ही लगेगा। तो ऐसा ही धीरे धीरे बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता जो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को समर्पित होती है और उच्च लोक के देवताओं समेत भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और तब भगवान स्वयं धाम से नीचे आते हैं या अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा सुधारने के लिए नियुक्त करते हैं, तो भगवान स्वयं भी आते हैं और अपने भक्तों को भी भेजते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में ही नहीं अपितु पशुओं में, पक्षियों में या उच्च लोकों के देवताओं में भी अशांतियाँ होती है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में केवल सुख है, स्वर्ग में दुख भी है। जब देवताएं आक्रमण करते हैं, देवताएं देवताओं को असुर आक्रमण करते हैं, तो देवताएं भी आक्रमण करते हैं, यानी लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी कई बार जब युद्ध हार जाते हैं तो उनको स्वर्ग से छोड़कर जाना होता है, तो ये भी तो दुख हुआ। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे कंपटीशन चलता रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुरों का वध करने के लिए स्वयं अवतरित हुए और पृथ्वी का भार भी हल्का किया, महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में लगभग इन सारे असुरों को भगवान ने वध कर दिया था, और फिर युधिष्ठिर जो तो धार्मिक राजा थे तो बहुत सुखपूर्वक प्रजा निवास कर रहे थे। अब भगवान ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि अपने वंश यदुवंश का कैसे विनाश करें, क्योंकि यदुवंश यानी भगवान के जो रिश्तेदार, भगवान के जो पुत्र, पुत्र के पुत्र, भगवान के खुद के ही इतने सारे बच्चे थे, उनके उन बच्चों के बच्चे, तो ये पूरा यदुवंश है, तो इसका नष्ट करने की भगवान की अब जो है प्लानिंग था, क्योंकि उनकी इच्छा से ही यदुवंश प्रकट हुए थे और फिर उनकी इच्छा से ही वो वापस भगवान के धाम ले जाना चाहते हैं भगवान। तो वो अपने स्वयं के नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे कि जाने से पहले ही मैं इनको भेज दूँ। तो नारद ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन्न विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा तथा उनके भाइयों से संकेत कर दिया था कि इस घटना के घटने तथा भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। तो विदुर भी जब तीर्थयात्रा से वापस निकले आए थे, उनको उद्धव से जब उनका भेंट हुआ था यमुना तट के किनारे, तो उद्धव ने बता ही दिया था यदुवंश के नाश के बारे में। फिर भी विदुर जब वापस आया तो युधिष्ठिर को बहुत कष्ट होता पांडव को, क्योंकि कृष्ण से वो लोग बहुत प्रेम करते हैं, तो इस बात के बारे में उन्होंने नहीं बताया, और नारद मुनि भी जानते हैं ये सब बातें, तो ये भी नारद मुनि ने भी नहीं बताया, बस एक संकेत कर दिया कि भगवान की इच्छा से अब यदुवंश का भी नाश होगा ही होगा, ऐसा, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। श्लोक नंबर 51। धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गांधर्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवता ऋषिणामाश्रमं गतः। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र तथा उनके भाई विदुर और उनके पत्नी, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों का आश्रम है। तो अभी युधिष्ठिर को बहुत चिंता हो रही थी कि कहाँ गए मेरे ताऊ, ताई, चाचा,
विदुर। तो वो संजय को भी पूछा, उनके सहायक, किसी से पता नहीं चला, दुखी थे। तो नारद मुनि ने आके समस्या सुलझा दिया। नारद मुनि ने बता दिया कि देखो युधिष्ठिर, हे राजा, आपके जो ताऊ है धृतराष्ट्र, ताई गांधारी, और आपके जो चाचा विदुर है, वो हिमालय के दक्षिण की ओर गए, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आश्रम है। तो इस प्रकार धैर्य धारण करने के लिए युधिष्ठिर को सहायता किया नारद मुनि ने, और अपने दिव्य दृष्टि से देखकर उन लोगों की गतिविधियों का वर्णन किया। श्लोक नंबर 52। श्रोतो भी सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधार, सप्तनं प्रीतये नाना सप्त श्रोतः प्रचक्षते। यह स्थान सप्त श्रोत यानी सात द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल सात शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्तर्षियों की तुष्टि के लिए किया गया था। तो पवित्र गंगा नदी की सात धारा वहाँ बहती है, सात ऋषि, महान ऋषि है सप्तर्षि, उनकी तुष्टि के लिए। तो ये उस जगह पे आपके जो है ताऊ ताई और चाचा गए हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर को नारद मुनि बताते हैं। श्लोक नंबर 53। स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि अभक्ष उपशान्तात्मा स अस्ति विगते शनः। अनुवाद। इस समय सप्तश्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। तो धृतराष्ट्र विदुर के बातों से उत्साहित होकर आत्म साक्षात्कार के पथ पर निकल चुके हैं, और हम देख सकते हैं नारद मुनि की कथन के अनुसार कि वो सिर्फ जल पीकर जो है अष्टांग योग अभ्यास करने में लगे हैं, और दिन में 3 बार वो जो है स्नान करते हैं, यज्ञ संपन्न भी करते हैं। इससे मनुष्य को मन इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है, और वो पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जब हमारा मन कृष्ण में स्थिर रहता है तो हम और समस्त चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि योग पद्धति इंद्रियों तथा मन को वश में करने तथा उन्हें पदार्थ से आत्मा की ओर मोड़ने की आंतरिक विधि है। इसकी प्रारंभिक विधियां है आसन, ध्यान, आध्यात्मिक विचार, प्राणायाम, समाधि तथा परम पुरुष परमात्मा की ओर उन्मुख होना। और इस तरह की आंतरिक विधि से आध्यात्मिक पद तक पहुँचने के लिए कुछ विधान नियत किए गए हैं। जैसे अष्टांग योग इतना आसान नहीं है भक्ति योग की तरह। भक्ति योग तो हम कहीं भी रहकर कर सकते हैं, घर में भी रहकर कर सकते हैं, वन जाने की जरूरत नहीं है। या भक्ति योग के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, लेकिन अष्टांग योग के लिए या ज्ञान योग के लिए ऐसा ज़रूरी है, और वन में जाना भी ज़रूरी है ध्यान योग के लिए। तो इस प्रकार जो है युधिष्ठिर कठोर व्रत का पालन कर रहे थे, जैसे कि इन सब में ज़रूरी है दिन में 3 बार स्नान करना, जहाँ तक संभव हो उपवास करना, आसन मार कर मन को आध्यात्मिक विषयों में एकाग्र करना, तथा इस प्रकार धीरे धीरे विषय अर्थात भौतिक ध्येय से मुक्त होना, यानी भौतिक आसक्ति से ये सब करते करते धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। और भौतिक जगत का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक में, भौतिक विषय में लिप्त होना। एक्चुअली ये मात्र भ्रम है कि हम सोचे कि हम भौतिक कुछ एंजॉयमेंट कर लेंगे। तो जब हमारा काल हमारे सामने प्रस्तुत होता है तो व्यक्ति को पता होता है कि एक्चुअली ये सब जो है भ्रम था, और हमने समय को ऐसे ही बर्बाद किया है। तो घर, देश या परिवार, समाज, संतति, तो ये जो है ये सब
या व्यापार, ये सब आत्मा के कतिपय आवरण है। आत्मा के ऊपर ये आवरण है, ये भौतिक उपाधियाँ कि मैं इस देश से हूँ, मैं उनके संतान हूँ, ये मेरे संतान है, ये मेरे संपत्ति है, ये सब। तो योग पद्धति इन मोहमय विचारों से मुक्त करता है और धीरे धीरे जो है परमात्मा की ओर मुड़ने में सहायक होती है। जैसे कि हम अगर डेली भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, श्रवण विधि से धीरे धीरे हमारा भौतिक आसक्ति चला जाता है और आध्यात्मिक आसक्ति यानी भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है। तो ये इसका लाभ है। भौतिक संगति तथा शिक्षा द्वारा हम व्यर्थ की वस्तुओं में केंद्रित होना सीखते हैं, लेकिन योग ऐसी विधि है जिससे हम इन्हें पूरी तरह भूल जाते हैं। अर्थात अगर हम भौतिकता में बहुत रहते हैं या भौतिक एजुकेशन या भौतिक स्कूल कॉलेज में हम जाते हैं तो हम जीवन का लक्ष्य कुछ और ही स्थिर कर देते हैं। भौतिक चीज़ों के पीछे भागना, पैसा कमाना, नाम कमाना, ये सब। तो ये सब जैसे दुख आता है अपने आप, सुख भी अपने आप तो आएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें बस क्या करना है, हमें कर्तव्य का पालन करना है, श्री कृष्ण को अपने जीवन का परम आश्रय मानकर। तो ये ज़रूरी है क्योंकि हम मनुष्य योनि में आए हैं और हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। आधुनिक तथाकथित जो योगी होते हैं वे योग पद्धतियाँ, कुछ जादू या कुछ ऐसा सीख लेते हैं, कुछ कर्तव्य दिखाते हैं और अज्ञानी लोग जो हैं उनकी झूठे बातों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और फिर उनको लगने लगता है कि शायद ये बहुत बड़े भगवान का प्रतिनिधि है और उनके चंगुल में फंस जाते हैं और वो उनको कुछ जादू तो सिखा सकते हैं लेकिन कृष्ण के धाम वैकुंठ जगत में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वैकुंठ जगत ले जाने के लिए प्रामाणिक गुरु परंपरा में किसी गुरु का होना आवश्यक है और तभी वो शिष्य बना सकते हैं, शिष्य का समस्त बाप ले सकते हैं, शिष्य को भगवत भक्ति का ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो योग पद्धति का मतलब है, जैसे भक्ति योग भी है योग पद्धति, ध्यान योग भी है, ज्ञान योग भी है। तो इससे क्या होता है, हम ये आत्म साक्षात्कार के पथ में प्रगति करने लगते हैं, हम आत्मा है इस बात को हम समझने लगते हैं। धृतराष्ट्र की जहाँ तक बात है, वो पूरा जीवन अपने पुत्रों के लिए पांडवों से संपत्ति छीनने के बारे में प्लानिंग करते हुए बिता दिया और उनके जीवन का जो है वही लक्ष्य बन गया। तो नितांत भौतिकतावादी जीवन धृतराष्ट्र ने जिया था, लेकिन विदुर की कृपा से आज वो आत्म साक्षात्कार की जो है अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति जिसके जीवन में विदुर जैसा कोई नहीं है, वो क्या क्या होगा उनके साथ, वो ये नहीं देख पाता है कि इस तरह उसे उसकी जो भौतिक इच्छाएं है, भौतिक आसक्ति है, उसके जो नित्य कर्म है, वो नरक में घसीट कर ले जा रहे हैं। धृतराष्ट्र को भी अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन विदुर की वजह से वो मोह से मुक्त हो गए थे और इसीलिए उन्होंने आत्मा अनुभूति के लिए अपने घर को छोड़कर गांधारी के साथ वन गमन करते हैं। श्री नारद देव ऐसे स्थान पर जो स्वर्गिक गंगा के प्रवाह से पवित्र था, उनके आध्यात्मिक प्रगति की भविष्यवाणी कर रहे थे। बिना भोजन के केवल जल पीकर रहना भी उपवास करना माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए उपवास करना आवश्यक है। जैसे कि एक कृष्ण भक्त कभी भी एकादशी का उपवास मिस नहीं करते हैं और जो एकादशी का उपवास रखते हैं उनको कोई और उपवास रखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए उपवास रखते हैं और कृष्ण ही वो वृक्ष के मूल है, समस्त देवी देवता ग्रह नक्षत्र के उद्गम स्थल है, परम आश्रय है। तो इसलिए महीने में सिर्फ 2 ही दिन उपवास रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर एक व्यक्ति को एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। तो इस उपवास से या जन्माष्टमी आदि जो भगवान से रिलेटेड जो उपवास है, इससे हमारा क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं, हम आध्यात्मिक चीज़ों को समझने लगते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति विधि विधानों का पालन किए बिना सस्ता योगी बनना चाहता है, तो सर्व मतलब भोगी, एक्चुअली भोगी बनना चाहता है वो,
और वो सोचता है मैं योगी बन जाऊंगा, तपस्या के बिना ऐसा संभव ही नहीं है। आप सोचिए एक भौतिक संसार में एक भौतिक कुछ बनने के लिए भी व्यक्ति को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को डॉक्टर ही बनना है तो उसको उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, वो मस्ती नहीं कर सकता है जब तक वो प्रिपरेशन कर रहा है एंट्रेंस का, या कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है तो उसमें भी तपस्या की ज़रूरत होती है। तो क्या आध्यात्मिक जगत में तपस्या की ज़रूरत नहीं होगी? जो ऐसा सोचते हैं वो सिर्फ भ्रम में रहते हैं। तो हमें इस बात पर ध्यान देने से लाभ होगा कि धृतराष्ट्र ने केवल जल पीकर तथा एकांत में बैठकर भगवान हरि के विचारों में तन्मय होकर अपना योग का प्रारंभ कर दिया था। श्लोक नंबर 54, जिता सनो जित स्वासः प्रत्यर्हिता षदिन्द्रियः हरि भावनया ध्वस्ता रजः सत्वा तमोमलः। जिसने योगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के कल्मश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तो जब हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं तो हम तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं। और जो योग विधि धृतराष्ट्र कर रहे थे उनकी प्रारंभिक गतिविधियां हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा इत्यादि। तो महाराज धृतराष्ट्र को इन प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी क्योंकि वे पवित्र स्थान पर आसीन थे और एक ही लक्ष्य अर्थात हरि पर ध्यान लगाए हुए थे। इस तरह उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई थी। और यह विधि भक्तों को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। तो जब भौतिक सत्वगुण भी जो कि सर्वोच्च गुण है, अगर आप रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण में कंपैरिजन करेंगे तो सबसे बेस्ट है सत्वगुण, क्योंकि सत्वगुण भक्ति में सहायक गुण है, भक्ति करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो भवबंधन का ये सत्वगुण भी कारण है। अगर कोई सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे, परम संतोष जो भी मिल गया, या भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होंगे तो फिर वो भी भौतिक बंधन का कारण बनेगा। तो फिर जब सत्वगुण भी भौतिक बंधन का कारण बन सकता है फिर रजोगुण और तमोगुण का क्या कहना। तो रज तथा तमोगुणों से हमें हमारे अंदर भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल कामेच्छा से संपत्ति और शक्ति की संचय करने के लिए मन में बल मिलता है। जैसे बाय हुक एंड क्रूक मुझे कमाना है, मुझे 18-18 20-20 घंटा मेहनत करना है, पैसा कमाना है, ये सब जो इच्छाएं होती है भौतिक इच्छा है और जिसके कारण वो भगवान की भक्ति के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, ये रजोगुण और तमोगुण के कारण होते हैं। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया है और अपने आप को सत्वगुण के स्तर तक उन्नत कर लिया है जो ज्ञान तथा नैतिकता से पूर्ण है सत्वगुण, वो भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र, जीभ, नाक, कान तथा स्पर्श इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर कोई सत्वगुण में भी स्थित हो जाए तो भी वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके गोस्वामी नहीं बन सकते हैं। कई लोग बस नाम का गोस्वामी होते हैं, उनके परिवार का नाम है गोस्वामी, लेकिन गोस्वामी का मतलब है जो अपने समस्त इंद्रियों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरियों पर भी जिसका कंट्रोल होता है वो गोस्वामी है। और ऐसा गोस्वामी केवल कृष्ण भक्त, शुद्ध कृष्ण भक्त बन सकते हैं, अर्थात जो 24 घंटा अपना मन कृष्ण से हटने नहीं देता है। और ये संभव है, हमारा जीवन दैनंदिन कार्य करके करते हुए भी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा है कि युद्ध करते समय भी मेरे बारे में चिंतन करके रखना, तो जरूर जरूर हम विजयी होंगे जीवन संघर्ष में भी। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो जिसने उपर्युक्त विधि से अर्थात जो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान हरि के चरणों के प्रति आत्मसमर्पित होकर जो जीवन जीते हैं वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को पार करता है और भगवान की सेवा में स्थिर हो सकता है।
इसलिए भक्ति योग विधि इंद्रियों को सीधे भगवान की प्रेममय सेवा में लगाती है। इससे कर्ता जो है भौतिक कार्यकलापों में नहीं लग पाता है और उसकी इंद्रियां पूरी तरह आध्यात्मिक चीजों में लगे रहते हैं। तो हमें बस जो करना है अपनी इंद्रियों को भौतिक आकर्षण से भगवान की दिव्य प्रेमामय सेवा में लगाना चाहिए और इसी विधि को प्रत्याहार कहलाती है। और ये सारी प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है, जिसका अंत समाधि में होता है, अर्थात सभी तरह से परमेश्वर हरि को प्रसन्न करने के लिए तन्मय रहने में होता है। समाधि यानी अगर हम अपने मन को भगवान में स्थिर रखने में समर्थ है तो वो समाधि है। श्लोक नंबर 55। विज्ञानात्मानि संयुज्य क्षेत्रज्ञे प्राविलप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटात् घटम्बरामिवम्बरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता को बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। खटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। तो ये नारद मुनि कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र को आप तपस्या करना होगा और अपने बुद्धि को भगवान की ओर केंद्रित करना होगा, आध्यात्मिक आकाश की ओर ऊपर उठना होगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग ना करने की इच्छा से महत्त्व से संपर्क करता है और इस महत्त्व से भौतिक जगत बुद्धि मन तथा इंद्रियों के साथ उनकी झूठी पहचान बनती है। तो ये सोचने लगते हैं जीवात्मा स्वयं जबकि आध्यात्मिक है और भगवान के अंश है, तो ये सोचने लगता है कि मैं शायद ये भौतिक शरीर हूँ। तो फिर योग विधि से जब हमें ये पता चलता है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, इसकी अनुभूति होती है, तो फिर हम इन भौतिक जो तत्व है उससे मुक्त हो जाते हैं और पुनः इस भौतिक जगत में हमें लौटने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को कोई भी व्यक्ति पार कर सकता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सकता है। धृतराष्ट्र ने विदुर तथा भगवान की कृपा से आध्यात्मिक पहचान की ये सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली। विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी क्योंकि विदुर शुद्ध भक्त है कृष्ण के, और जब वे विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे तब भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में उनकी सहायता की। अर्थात हम जब शुद्ध भक्त के अधीन होकर यानी शुद्ध भक्त की बातों को मानकर भगवत भक्ति का अभ्यास करते हैं तो भगवान की अहैतुक की कृपा हमें प्राप्त होती है और भगवान हमें खुद सहायता करते हैं कि हम परम सिद्धि को प्राप्त करें। तो भगवान का शुद्ध भक्त ना तो भौतिक आकाश के किसी ग्रह पर रहता है, ना ही वो भौतिक तत्व से किसी प्रकार के संपर्क का अनुभव करता है। तो भगवान के उद्देश्य के समान ही उद्देश्य के आध्यात्मिक धारा से परिपूरित होने के कारण उससे तथाकथित भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं रहता है। तो शुद्ध भक्त हर जगह हो सकते हैं, शुद्ध भक्त हमारे बीच में भी है, जो प्रामाणिक गुरु परंपरा से है, कृष्ण के भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं, एकमात्र लक्ष्य कृष्ण का प्रेम पाना, तो ऑलरेडी वो मुक्त अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। और ऐसे भक्तों का अगर हम संग करते हैं तो हम कल्मश से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है भक्त भले ही भौतिक संसार में भी आए वो हमेशा आध्यात्मिक जीवन में रहते हैं और भगवान के भक्तिमय, वो भले ही स्वर्ग में रहे, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में रहे या पृथ्वी में आए या नरक में रहे, उनका एक ही कार्य है, वो है कृष्ण की सेवा। तो इसलिए हर एक जगह उनके लिए वृंदावन जैसा है। तो जो बद्ध जीव है वो इस भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर तक फंसे रहते हैं और जो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, दिव्य है, वो भगवत धाम प्राप्त करते हैं। हाँ, लेकिन भगवान की इच्छा से कई बार वो लोगों के कल्याण के लिए भी उतरते हैं इस धरातल पर। श्लोक नंबर 56। ध्वस्त माया गुणो दड़को
निरुद्धकारणाशयः निवर्तिताखिलहारा आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मयि बाभुः संन्यस्ताखिलकर्मणः। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग में सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। धृतराष्ट्र के बारे में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, एक प्रकार से वो भविष्य क्या होना होगा, क्या होना चाहिए, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो हम जब भौतिक गुणों के प्रभाव से भौतिक चीज़ों के प्रति और अपने दुर्दम्य, जिसको हम दमन नहीं कर सकते, ऐसे इच्छाओं के वश में हो जाते हैं, तो हम योग विधि से इस मिथ्या भोग से हम बच सकते हैं। अब हमारा मन अगर प्रदूषित हो जाता है, उस प्रदूषण को हम कृष्ण भक्ति से, कृष्ण नाम जप करके बच सकते हैं। प्रत्येक इंद्रिय जो है हमारा, हमेशा उसके भोजन की तलाश में रहती है और इस प्रकार जो है बद्ध जीव पर चारों ओर से हमला होता है, उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिलता। जैसे आप एक व्यक्ति है और आपका एक राइट हाथ, राइट हैंड जो एक व्यक्ति खींच रहा है, लेफ्ट कोई और खींच रहा है, कोई आपका सर खींच रहा है, कोई दोनों टांगे खींच रहे हैं, तो आपका क्या हालत होगी, कितना पेनफुल सिचुएशन है। ऐसा ही हमारा मन का हालत है। हर एक इंद्रियों को अपना अपना भोजन चाहिए, आँखों को कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए, कान को कुछ, जीभा को कुछ, लेकिन जब हम उनको क्या देते हैं, आहार के रूप में कृष्ण प्रसाद देते हैं, कृष्ण का दर्शन देते हैं, जीभा को कृष्ण प्रसाद देते हैं, कानों को कृष्ण कथा देते हैं, तो भी वो शांत हो जाते हैं और हमारे लिए वो फिर मुसीबत नहीं मोल लाते, जैसे कि एक दंत विहीन सांप होते हैं, उसके भांति बन जाते हैं। तो इसीलिए नारद मुनि ने जो है महाराज युधिष्ठिर को सलाह दिया कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने का प्रयास ना करें, क्योंकि फिर से वो विचलित हो जाएंगे। राजमहल आकर किसी तरह वो भक्ति में स्थिर होने का प्रयत्न कर रहे हैं या योगाभ्यास कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है धृतराष्ट्र अभ्यास कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति अभ्यास करके परफेक्ट बन सकते हैं, अर्थात भगवत धाम जाने के योग्य बन सकता है। तो भौतिक प्रकृति के गुणों के कार्य करने की विभिन्न विधियाँ हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों के भी ऊपर आध्यात्मिक गुण है जो परम पूर्ण है। निर्गुण का अर्थ है प्रतिक्रिया विहीन। तो आध्यात्मिक गुण तथा इसका प्रभाव जो है समान है, इसलिए आध्यात्मिक गुण को निर्गुण कहा गया। निर्गुण का मतलब है जिसमें भौतिक गुण नहीं, आध्यात्मिक, इसलिए निर्गुण कहा जाता है। कई बार भगवान को निर्गुण कहा जाता है, अर्थात वो तीनों गुणों के अधीन नहीं है हमारी तरह, इसका अर्थ ये होता है। तो प्रकृति के भौतिक गुणों से पूर्णतः अवरुद्ध होने पर मनुष्य आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। तो इसलिए भक्ति परम पूर्ण के सीधे संपर्क द्वारा प्राप्त किया गया निर्गुण है, जिसे परम पूर्ण संपर्क द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अगर हम कृष्ण के साथ संपर्क स्थापन करते हैं तो हम निर्गुण बन जाते हैं, अर्थात भौतिक गुणों से परे हो जाते हैं। श्लोक नंबर 57। सवाद्यतनाद्राजन् परतः पञ्चमेहनि कलेवरं हस्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति। हे राजन, संभव यह है कि वे आज से पांचवें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे। ये भी नारद मुनि बोल देते युधिष्ठिर महाराज को, और उनका शरीर राख हो जाएगा, यानी बनाग्नि जलेगा। ये भी एक प्रकार संकेत कर देते हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि का भविष्यवाणी कोई असत्य नहीं होता है। नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान जाने के लिए रोक दिया, क्योंकि जहाँ उनके ताऊ और ताई जो है योगाभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के बाद भी धृतराष्ट्र को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता तो थी नहीं। जो भी योगी होते हैं ना, वो अपने योग शक्ति से ही शरीर को राख भी बना सकते हैं। तो नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर जो है स्वतः जलकर भस्म हो जाएगा। तो इसलिए आप संबंधी, युधिष्ठिर संबंधी है,
तो आपको कोई दाह संस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी संकेत दे देते हैं कि आप उनके पास मत जाओ उनको लाने के लिए। तो योग पद्धति की सिद्धि ऐसे ही योग शक्ति से प्राप्त की जा सकती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग सकता है और इस शरीर को खुद के लिए सृजित की हुई अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रहों को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा संभव है, तो इसीलिए धृतराष्ट्र को बताया, धृतराष्ट्र के बारे में बताया युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने कि आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। 58 नंबर श्लोक है। दैहा मानेऽग्निभिर्देहे प्रत्युः पत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तमग्निमानुवेक्षति। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। तो हम उसमें देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है अपने ही योग शक्ति की अग्नि में वो भस्म करते हैं और उनका उद्धार होता है। तो फिर गांधारी फिर उस अग्नि में प्रवेश करती है एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर। तो गांधारी जो एक अति आदर्श सती स्त्री है, वे अपने पति की जीवन संगिनी थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि पति जो है योग की अग्नि में पर्णकुटी समेत जल रहे हैं, तो वे निराश हो गए, क्योंकि पति के बिना और वो रह के भी क्या करती, मतलब इतना ज़्यादा वो पति को समर्पित थी। तो इसलिए वो जो है राजमहल को भी त्याग कर वन में चली आई धृतराष्ट्र के साथ। तो वो निराश हो गई, उन्होंने अपने 100 पुत्र खो जाने के बाद घर छोड़ दिया था और अब जंगल में अपने प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वो वास्तव में अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी, इसलिए वे अपने पति की जो पति ने जो अग्नि सृष्टि किया था उसी में प्रवेश कर पति को अनुगमन किया। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है और यह कर्म स्त्री के लिए अत्युत्तम माना जाता है। लेकिन बाद में युग में जो है बाद के युग में इसको इस सती प्रथा को बहुत घृणित बना दिया लोगों ने और जबरदस्ती करते थे बहुओं को सती होने के लिए। और बाद में ये एक क्राइम हो गया क्योंकि यह प्रथा जो है अनिच्छित स्त्री पर भी थोपी जाने लगी। पहले ऐसा नहीं होता था, कोई अगर स्त्री अपने इच्छा से जाना चाहती है पति के साथ तो वो जा सकती थी, उसे सती संस्कार कहते हैं। लेकिन जो नहीं जाना चाहती है वो रहती है समाज में संरक्षण प्राप्त करके। लेकिन बाद में ऐसा हुआ था कि इसी प्रथा के आधार पर उसको कुप्रथा बना दिया था और जो वैदिक उसका वैल्यू है उसको ना समझकर जबरदस्ती स्त्रियों को अग्नि में डाला गया, तो ये क्राइम है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने इस क्राइम को बहुत रोका भी था। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी या अन्यों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि का पालन करना संभव नहीं है। गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से भी अधिक प्रतीत हो रहा था। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब ये प्रथा एक फॉर्मेलिटी बन गई, औपचारिकता बन गई, तो यह नियम के पालन कराने के लिए नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा, तब ये सचमुच अपराधपूर्ण बन गई। तो अब राज्य नियम द्वारा इसे बंद कराना पड़ा। नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाने से रोक दिया। तो हमारा जो भी जीवन है उसे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बिताना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। कोई कितना भी कम जिए या कितना भी ज़्यादा जिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हर एक समय जो है हम भगवान की सेवा में लगाए वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जो है हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र जो है विदुर की कृपा से ही वो योगाभ्यास करने लग गए वन जाकर और वो इतना सिद्ध हो गए कि अपने ही योग शक्ति से अग्नि जो है अपने योग शक्ति से ही अग्नि प्रकट करके और कुटिया समेत उसमें वो अपने शरीर से अपने आप को मुक्त किया और उस अग्नि में गांधारी भी प्रवेश कर गई। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।